हाउ टू ओपन ए ब्लॉक ईयर, मेरा कान बंद रहता है डॉक्टर साहब, कैसे इसको जो है इलाज है और कैसे इसको खोलना है। दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों सुनाई देखना सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी को सुनाई नहीं देता तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत सारे पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है, मेरा कान ब्लॉक रहता है इसको कैसे खोलें। दोस्तों अगर हम ब्लॉक ईयर की बात करते हैं तो जो हमारा मोस्ट कॉमन रीजन है जो हम प्रैक्टिस में देखते हैं वो सबसे कॉमन है वैक्स, ईयर वैक्स। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि मेरे को मेरा ENT रूटीन चेकअप कराना है? नहीं, कभी नहीं आता दिमाग में। दोस्तों इन इंडिया देयर इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट हैव द रूटीन ENT चेकअप, वी डोंट हैव द मेडिक्लेम फैसिलिटी। हम क्या है, मेडिक्लेम फैसिलिटी हमारे नहीं होती। विदेशों में मेडिक्लेम फैसिलिटी होती है, वहाँ रूटीन ENT चेकअप्स होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, रूटीन ENT चेकअप्स या कोई भी बॉडी के चेकअप्स हम नहीं कराते। हम कब कराते हैं, जब कोई बात हमारे माथे पे ही पड़ जाती है, बिल्कुल सुनाई बंद हो गया, जब भी हम क्या है डॉक्टर के पास जाते हैं। दोस्तों हमें हमेशा क्या है दो चीज याद रखनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमारा कान का चेकअप कराना चाहिए। बहुत बार क्या है कि हमारे कान के अंदर जो हमारा वैक्स होता है वो इस तरीके से होता है कि पूरा कान को ब्लॉक कर लेता है, बट वो हमें पता क्यों नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि वो इतना ग्रेजुअल डिपॉजिट होता है कि आपको अप्रिशिएट नहीं होता। सपोज आपके कान में किसी ने एक कॉटन डाल दिया, वो आपको तुरंत अप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन वो वैक्स आपको अप्रिशिएट नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो इतना ग्रेजुअल जो है वो डिपॉजिट होता है। बहुत बार जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, अरे सर इतना सारा वैक्स मेरे कैसे हो गया, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए दोस्तों नंबर वन हमारे को क्लीन ईयर को कराना है। दोस्तों बहुत बार हम ईयर क्लीन कराते हैं, हमारा जो है कई बार क्या है बहुत बैड एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि कई बार उसमें सिरिंजिंग कर दी जाती है। आपको बेस्ट जो है आपका वैक्स क्लीन का सिस्टम है एंडोस्कोपिक ईयर क्लीनिंग सिस्टम, एंटायर थिंग उस एंडोस्कोप से मॉनिटर पे दिख रहा है, एंड एक वैक्यूम से अच्छे से हम ईयर को क्लीन कर सकते हैं। आपको उसमें पेन नहीं होता, आपको उसमें पता नहीं लगता आपको कोई हार्मफुल, एंड 4 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे से लेके ओल्ड एज तक सब उसमें जो है वो करा सकते हैं। आपका जो है कान का जो पर्दा है उसमें भी कोई डिफॉर्मिटी है या उसमें कोई होल है वो भी उससे पता लग जाता है। सो नंबर वन। दूसरा दोस्तों ईयर जो ब्लॉकेज है उसका कॉमन कारण है एलर्जी। एलर्जी, यस दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोस्तों जो हमारा गॉड ने हमारी बॉडी बनाई है इसमें क्या है दोस्तों कि जो हमारा कान है हमारे नाक के पीछे के हिस्से में खुलता है, एंड जब हम नोज से ब्रीदिंग करते हैं तो 10% एयर जो है दोस्तों इस नोज के पीछे के हिस्से से हमारे कान में जाती है, ईयर का एक वेंटिलेशन होता है, सिस्टम होता है। आपने गौर किया है दोस्तों कभी फ्लाइट में गए हो जब हमारा कान कैसे पॉपअप हो जाता है, आप माउंटेन पे गए हो तो वही रीजन है, वो हमारी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। सो मोस्टली पेशेंट दे हैव द एलर्जिक राइनाइटिस जिनको एडिनोइड टॉन्सिल होती है, हमारे बच्चों में जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं उनमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों ये, वो जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है एंड कान का वेंटिलेशन नहीं होता और कान के पर्दे के पीछे कई बार फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, कई बार हमारा पर्दा क्या रिट्रैक्ट हो जाता है, क्रम्पल्ड हो जाता है, उससे हमें हैवीनेस होता है, हम बार बार क्या है ब्रीदिंग करते हैं बार बार, बहुत सारे पेशेंट लाइक ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनको लगता है ऐसा करने से आराम होता है, तो दीज आर द टेम्परेरी थिंग्स। दोस्तों ऐसा है तो आपको हमारे एलर्जी का प्रॉपर मैनेजमेंट लेना चाहिए, एक मिनिमम दवाई हमें लेनी चाहिए, एंड बहुत बार क्या है बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल है तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिससे हमारा जो है नोज जो है वो ब्लॉकेज फ्री हो। हम होम रेमेडीज की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो दोस्तों हमें प्राणायाम करें, वाल्सालवा लाइक ये भी हम कर सकते हैं, बट जुखाम होता है जब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाक के पीछे का इन्फेक्शन दोस्तों उस ट्यूब के थ्रू हमारे कान में चला जाता है, ये हमें नहीं करना चाहिए। गर्म चीजें हमें लेनी चाहिए, सूप लेना चाहिए, कॉफी लेना चाहिए, अगर आपको एलर्जी है तो ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कोल्ड बेवरेज हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो दोस्तों देखा कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग हाउ टू ओपन माई ब्लॉक्ड ईयर। दोस्तों डेफिनेटली तुरंत इस इन्फॉर्मेशन को अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स में शेयर करना चाहिए, जिससे आपको जो है इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट हो सके। थैंक यू।